नमस्कार, मैं साक्षी, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। एसएमएस के जरिए आधार नंबर को पैन कार्ड से ऐसे करें लिंक। एसएमएस के जरिए आधार नंबर को अब पैन कार्ड से जोड़ा जा सकता है। इसके लिए 31 मार्च 2019 तक का ही समय बचा है। बता दें कि इसकी डेडलाइन पिछले 5 बार से बढ़ी रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पैन कार्ड को आधार से लिंक करना ही होगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और रिफंड लेने के लिए ये जरूरी है। एसएमएस के जरिए महज 2 मिनट में आधार को पैन नंबर से लिंक कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने ये सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके लिए आपको लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं है। इसके लिए एसएमएस 567678 नंबर या 56161 नंबर पर भेजना होगा। ये एसएमएस आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही भेजना होगा। आधार को पैन से लिंक करने के लिए सबसे पहले कैपिटल लेटर में UIDPAN लिखना होगा। इसके बाद स्पेस देकर 12 अंकों का आधार नंबर लिखना होगा। फिर स्पेस देकर 10 अंकों का पैन कार्ड नंबर लिखना होगा। इस एसएमएस को 567678 नंबर या 56161 नंबर पर भेजना होगा। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।